लोग, हमारा जो एपिसोड 3 है वो स्टार्ट होता है इस प्रोफेसर ओक के लैब से। ओक के लैब से नहीं, जो दूसरे प्रोफेसर है जहाँ पे हमारे गो और ऐश रहते हैं। तो यार एपिसोड के स्टार्ट होते ही हमें मिस्टर माइंड एंटर दिखाता है विद वो ये लेके आता है, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो उससे वो उनको उठाने की कोशिश करता है यार, पर वो उठते तो नहीं है। तो फिर वो उनके ब्लैंकेट्स खींच देता है। तो ब्लैंकेट्स खींचने के बाद ये तो मिस्टर माइंड है, ये एक बैरियर है, ऐसा ऐश बोलता है। फिर उन लोग उठने के बाद खाना खाने आते हैं और वो बोलते हैं वाओ कि ये क्या खाना है, इतना टेस्टी बढ़िया खाना मैंने आज तक नहीं खाया। तो वो ऐसे खाना खाते और बोलते यहाँ पे पोकेमॉन के लिए भी खाना है। तो भाई तो पोकेमॉन मतलब पिकाचू और ऐश खाते हुए दिखाते हैं और ऐश भी पूछते हैं कि तुम्हें पसंद आया क्या। वो मिस्टर माइंड के साथ बैठा हुआ रहता है और अपने मोबाइल में चैटिंग कर रहा रहता है या फिर पिक्चर्स क्लिक कर रहा रहता है। तब तक प्रोफेसर आते हैं और बोलते हैं गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो वो बताते हैं खाना कैसे लगा। तो वो लोग बताते कि परफेक्टली लगा हमें, कोई नहीं। फिर यांपर आ जाता है और ये दोनों जो है डर जाते हैं, पर पिकाचू यांपर को शांत कर देता है क्योंकि यांपर का दोस्त पिकाचू है। और उसके बाद इसके बारे में दिखाया गया है, जिसका नाम है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वो समझ ही नहीं रहा है। तो ये यांपर को अपना खाना देती है और स्कूल में अपना खाना लेके चली जाती है। और उसके बाद सब लोग एकदम से तैयार हो जाते हैं, सब लोग फटाफट खाना खा लेते हैं, मिस्टर माइंड पिकाचू सब लोग, और लैब की तरफ बढ़ते हैं। मतलब लैब में ही रहते हैं, बस लैब साइड में बढ़ते हैं। सो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे पीछे से एक बंदा आता है, आई एम सो सॉरी आई एम लेट। तो ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं भी एक प्रोफेसर हूँ और मैं आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। और ये ऐसे ही इंट्रोड्यूस करता है और उसके साथ और एक बंदी रहती है जो इसकी प्रोफेसर रहती है, वो भी खुद को इंट्रोड्यूस करती है। तो इसका नाम रहता है रेंजी और दूसरे का नाम कुछ तो के से स्टार्ट होता है। और उसके बाद हमें ये वाला सीन दिखाया गया जिसमें ये लोग बल्बसौर की तरफ देख रहे हैं। तो ये आई गेस वो बल्बसौर का इवोल्यूशन डे है जहाँ पे बल्बसौर इवॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे बल्बसौर और आईवीसौर दोनों दिखाए गए हैं आई हैव दिस दिन। तो यहाँ पे प्रोफेसर बता रहे हैं कि तुम लोग को ये रिसर्च करना है। फिर ऐश को पूछता है ऐश के पास मोबाइल फ़ोन है, तो ऐश बोलता है नहीं। तो वो प्रोफेसर से मोबाइल फ़ोन देता है और गो को बोलता है तुम्हें तुम्हारा मोबाइल फ़ोन रख लो। और फिर अपने दो पोकेबॉल्स निकाल के वो रोटोम निकालता है उसमें से और रोटोम उन फोन्स के अंदर चले जाते हैं। जी हाँ, उन फोन्स के अंदर चले जाते हैं। और हाँ, तो कैसे, तो गिलार रीजन में डेक्स रोटोम डेक्स है, जी हाँ। तो फिर वो फ़ोन्स जो है वो रोटोम फ़ोन्स बन जाते हैं, जी हाँ, स्मार्टफोन रोटोम से बन जाते हैं। और दोनों खुश हो जाते हैं कि हमें रोटोम डेस्क मिल गया या फिर रोटोम फ़ोन मिल गया। और इसके बाद आता है हमारा सबसे मेन पॉइंट, इंटरेस्टिंग वाला, टीम रॉकेट को इंट्रोड्यूस किया गया है थर्ड एपिसोड से। तो गाइस, सो टीम रॉकेट का बॉस उन्हें बता रहा है, पूछ रहा है कि टीम रॉकेट क्या होती है, कैसे होती है, ये होती है, वो होती है, हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, ये सब चीज़ें वो उनसे पूछ रहा होता है। सो वो भी आंसर दे रही होती। तो उनको वो मिशन बताता है कि तुम्हें उन आईवीसौर और बल्बसौर को कैप्चर करके मेरे पास लाना है। और वो बोलते जी हाँ सर, आपके दूसरों पे हम है। तो और फिर आगे कंटिन्यू होता है, फिर ये लोग ढूंढते रहते हैं आईवीसौर और बल्बसौर। फिर इन लोगों को आवाज़ आता है सीटीओ का, तो वहाँ पे ऑफिसर जेनी रहती है। वो उनको पूछता क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, बल्बसौर और वीनस और यहाँ से जस्ट जा रहे थे तो मैंने ट्रैफिक को थोड़ा रोक लिया। तो यार फिर जो ऐश है वो चेक करता है अपने रोटोम डेस्क में कि ये क्या है। तो रोटोम डेस्क सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है कि ये एक पॉइजन और ग्रास टाइप पोकेमॉन है, इवॉल्व हुआ बल्बसौर से। सो ये सब देख के वाओ, सो दोनों एकदम चहल पहल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा कंफ्यूजिंग होते हैं, क्या होता है पता नहीं ऐश को। तो ऐश थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, पर उसको आवाज़ आता है तो एक जो बल्बसौर आईवीसौर है वो दीवार को टक्करें मारता रहता है, पर उसको उस साइड जाना रहता है। सो उसके ऊपर से बहस चढ़ जाती है ऐश और उसकी, कि वो बोलता है नहीं तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए, पर ऐश बोलता है नहीं हमें मदद करनी चाहिए क्योंकि वो एक पोकेमॉन है। फिर ऐसी बहस चालू हो जाती है और अपनी दोस्ती में ये लोग एक बड़ा सा झगड़ा ले आ जाते हैं। सो ऐश को तो बल्बसौर धक्का मार आईवीसौर धक्का मार देता है, उसे उसकी मदद तो चाहिए नहीं होती। तो उसके बाद वो बोलते हैं हाँ तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, और फिर वापस ये दोनों लड़ना चालू कर देते हैं। फिर हाँ मुझे तुमसे बात नहीं करनी, वो बोलता है मैं अकेला ही करूँगा। सो उसके बाद आईवीसौर जो है अपने वाइंड व्हिप का इस्तेमाल करके चढ़ जाता है दूसरे उसके ऊपर। तो फिर ऐश भी चढ़ जाता है, फिर गो भी चढ़ता है। तो फिर वो दोनों बोलते हैं व्या मेरे को कॉपी मत करो।
तो उसके बाद गो पूछते हैं ये क्या है, तो रोटोम देख से, तो रोटोम देख बोलते हैं ये एक जिम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है। तो फिर आइविसोर स्वीट चैन डाल के आगे बढ़ता होता है, फिर वो समझाता है कि ये शायद ये इवॉल्व होने वाला है, क्योंकि वो ऐसे ऐसा स्वीट चैन तभी छोड़ते जब वो इवॉल्व होते। तो उसके बाद उन्हें बहुत सारे बल्बिसॉर्स दिखाई देते हैं, आइविसॉर्स दिखाई देते जो जा रहे होते, तो वो लोग उनके पीछे पीछे जाते रहते हैं। और फिर आयुष उसको बोलते ये तो बल्बिसॉर और आइविसॉर दोनों जा रहे हैं, और फिर क्यों ना हम आगे बढ़े। तो यार इसके बाद वो डिसअपॉइंट होते क्योंकि उन लोगों को चढ़ना होता है। तो फिर उसके बाद वो लोग वाइंड व्हिप लगा के एक एक करके चढ़ते हैं, पर ऐश फिर उसके साथ चढ़ना चालू कर देता है ऊपर उनके साथ ही। दैट वाज फनी। तो ऐश ऊपर आके चढ़ जाता है, पर गो जो है वो नहीं चढ़ पाता, तो ऐश उसे हाथ देकर चढ़ा लेता है। और उसके बाद वो लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर एक एक करके वो लोग एक साथ हाथ जुटा के ऊपर चढ़ते जाते हैं, ऊपर फ्लोर्स पे चढ़ते जाते हैं। उसके बाद बहुत से नया आर्टिक्स दिखाए गए कि जैसे ही आइविसॉर चल रहे हैं वैसे ही ये दोनों भी चढ़ रहे हैं एक के पीछे एक ऐसे सब। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड है ये वाला, मैं तो कहूँ तो। इसके बाद बल्बसॉर का सीन दिखाया गया है और आइविसॉर के लोग ऊपर आ जाते हैं और वो लोग सनलाइट ले रहे हैं होते हैं। तो उसके बाद ऐश बोलता है कि क्यों ना हम भी बल्बसॉर जैसे बन जाए और स्वीट सेंट ये सनलाइट का मौसम इंसान करे। तो उसके बाद उसके बाजू में वो बैठ जाता है, फिर गो भी उसके बाजू में आके रिग्रेट कर रहा होता है पर उसके बाजू में आके बैठ जाता है। और फिर आगे दोनों यार मस्त मगन में बैठे हुए हैं, उतने में ही ये जो है गाइस उसके बाद सारे आइविसॉर और बल्बिसॉर इवॉल्व हो रहे होते हैं। उतने में ही टीम रॉकेट आग टपकती है और अपना घिसा पिटा डायलॉग मारती है। तो इस बार का मेरे को डायलॉग थोड़ा सा अजीब लग रहा है, अलग लग रहा है बाकी डायलॉग से, तो ये तभी पता चलेगा जब एक्चुअल इंग्लिश डब आएगा इसका, और हिंदी डब तो हम कर ही रहे हैं। तो उसके बाद वो लोग जो उसको बोलते हैं कि ऐश दिखता कि आई वी सॉ तुम लोग यहाँ सॉरी टीम रॉकेट, और उसके बाद वो हैरान हो जाता है गो कि देख के कि ये मियाँ बोलता है, पर उनको पकड़ लेते हैं। पर आयश अपने पिकाचू का आयरन टेल के इस्तेमाल से उन लोग को बचा लेता है। फिर वो लोग नीचे आते हैं और ऊपर से एक मशीन गिरती है उन लोग के लिए जिससे बहुत सारे रॉकेट बॉल्स रहते हैं। तो वो लोग मियाँ का इस्तेमाल करके उसमें कॉइन डाल के दो रॉकेट बॉल्स निकालते हैं, और उसमें से बच्चे वो लोग क्या निकालते हैं तुम लोग को पता है, वो लोग उसमें से एक ट्रानेटार निकालते हैं और एक गैराडोस निकालते हैं। मतलब समझो यार टीम रॉकेट पास टायरानेटर और गैराडोस है, और उसके साथ वो लोग हमला करते हैं और एक्चुअली और ऑब्वियसली वो भारी पड़ जाएंगे उनके ऊपर, क्योंकि फुल्ली वर्ल्ड पोकेमोन में से पिकाचू आगे जीत नहीं पाएगा, पर और जीत भी नहीं पाता क्योंकि एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन और एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन क्या कर सकते हैं। पिकाचू मतलब ऑलमोस्ट ही हार रहा होता है, जैसे कि देख सकते हो गिर रहा है, इधर उधर गिर रहा है, अटैक्स कर रहा है पर उसके ऊपर कुछ भी अटैक्स वर्क नहीं करे। उसके बाद स्टोन एज जिसका इस्तेमाल करता है ये, पर उसके बाद पीछे से सोलर बीम का अटैक होता है दोनों पे, सारे बल्बिसॉर्स और आइविसॉर्स के साथ, और उसके बाद वो लोग घायल हो जाते हैं। फिर जैसे और जैसे पूछे कि क्या तुम लोग ठीक हो ना, तो फिर सोचे कि नहीं अभी इन्हें फिनिश ही करना है। तो वो दोनों को बोलते हैं कि तुम्हें हाइपर बीम इस्तेमाल करनी है, तो वो लोग हाइपर बीम इस्तेमाल करने जाते हैं सारे बल्बिसॉर्स और आइविसॉर्स के ऊपर। तो उसके बाद आज बीच में खड़ा हो जाता है यार कि तुम्हें पता है ना हमारा ऐश कैसा है, तो वो खड़ा हो जाता है। और उसके बाद ये सब देख के गो के आँखों में आंसू आ जाते हैं कि ऐश ऐसा ट्रेनर है वैसा ट्रेनर है, वो लोग जान भी दे सकता है। पर लास्ट में पिकाचू अपना थंडरबोल्ट 1000 वोल्ट यानी थंडर बोल्ट के साथ वो लोग को उड़ा ही देता है, और इसके साथ साथ अपने वो लोग अपना एक लाइन्स तो बोलते हैं, पर उसके साथ बोलते हैं कि हमें इस पिकाचू के साथ ही रहना चाहिए क्योंकि ये पिकाचू बहुत अनोखा है, तो हमें इसे ही पकड़ना है बाकी के प्लान्स के भाड़ में। और लास्ट में वी आर ब्लास्टिंग ऑफ अगेन, ये वाला लाइन आता है और वो लोग उड़ जाते हैं। और उसके बाद सारे आइविसॉर्स जो है वो इवॉल्व हो जाते हैं, इवॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो कि इवॉल्व होने के बाद वो बन जाते हैं वीनसॉर्स, फुल्ली वीनसॉर्स। फिर जो गो और ऐश है वो अपने रोटोम डेक्स में पूछते हैं, रोटोम को इन्फॉर्मेशन निकालते तो वो इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। उसके सारे बल्बसॉर जो है वो भी खुश होने लग जाते हैं, और थोड़े टाइम बाद जो वीनसॉर्स है वो अपने अंदर से एक
स्पेशल कुछ तो निकालते हो जो कि हर जगह पे फैलता है, और हर जगह पे फैलने से सारे फूल फूल वूल सब जितने भी हैं वो ग्लूम करना चाहते हैं, और फिर ये बटरफ्लीज और ये जो गार्डन्स है वो भी ग्लूम करते हैं। और उसके बाद वक्त आता बल्बसॉर का इवॉल्व होना, और बल्बसॉर सारे बल्बसॉर जो है वो भी इवॉल्व होके आइविशॉर में विकसित हो गए। और जब अगला साल आएगा, जब अगला वीक आएगा, तब अगला मतलब अगला टाइम आएगा जब बल्बसॉर भी आइविशॉर में विकसित हो जाएंगे। सो फिर उसके बाद लाभ का सीन दिखाया गया, तो वो सब चीज़ें बताते कि ऐसा हुआ था वैसा, तो वो भी सब बोलते वाओ द हिडन पावर्स, तो वो बोलते इट्स अ लॉट फन तुम्हारे साथ, तो एक दोनों को बता रहे रहते हैं। फिर उसके बाद मिस्टर हमारे जो ये है वो बोलते हैं वाह सतोशी तुमने ये बहुत अच्छा काम किया इसमें, तो गो उसे देख के इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि हम दोस्त बनना चाहते, फिर आज बोलते हम तो पहले से ही दोस्त थे, पर फिर यहाँ पर आ जाता है दोनों डर जाते हैं, पर कुछ नहीं वो लड़की आके बचा लेती। तो यहाँ पे ही हमारा एपिसोड जो नंबर 3 है वो यहाँ पे टोटल और एंड हो जाता है। सो गाइस, तो तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा, आज का ये एपिसोड 3 पोकेमॉन 2019 या कह सकते हो पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और मेरे को ज़रूर बताना तुम्हें इस एपिसोड का कौन सा वाला पार्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और ज़्यादा मज़ेदार लगा इस एपिसोड का। तो तब तक के मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नेक्स्ट मेरे वीडियो में। और दोस्तों तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा एक सब्सक्राइब मेरा मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग साबित होता है। और दोस्तों लाइक ज़रूर करना वीडियो को। तब तक के लिए मिलते हैं तुम लोग अगले वीडियो में, चलिए बाय, टेक केयर, सी यू, नारा।